अभी अभी की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर, वैज्ञानिक पूरी तरह से दंग रह गए हैं, वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं। एलियंस को लेकर अभी अभी बड़े संकेत मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है एलियंस को लेकर, क्योंकि सदियों से जिस पर रिसर्च चल रहा था, जिस पर रात दिन खोज चल रही थी, उस पर बड़ी कामयाबी मिली है एलियंस को लेकर। बहुत बड़े संकेत मिले हैं, बहुत बड़ा सबूत मिला है, जो कि इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इसको लेकर हर जगह तहलका मच गया है, पूरी एजेंसियां दंग रह गई हैं, सभी के होश उड़ गए हैं। वो चाहे नासा हो, जक्सा हो, चीन हो, भारत हो, सभी वैज्ञानिक पूरी तरह से दंग रह गए हैं। तो दोस्तों, एलियंस को लेकर क्या खुलासा हुआ है, क्या सबूत मिले हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी अच्छी और रोचक बनने वाली है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद भी आने वाला है, और आपके दिमाग में एलियंस को लेकर बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, उसका भी समाधान होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक रात दिन पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, और बहुत सारे ग्रह भी उन्हें मिल चुके हैं जहां पर जीवन संभव हो सकता है। अभी फिलहाल चांद और मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा मिशन भेजे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा खोज चांद और मंगल ग्रह पर ही हो रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी से चांद और मंगल ग्रह काफ़ी नज़दीक है। और आपको पता होना चाहिए, हम सबको ये जानकारी है कि चांद पर पानी मिल चुका है, चंद्रयान 1 ही बताया था चांद पर पानी है, और मंगल ग्रह पर भी पानी मिल चुका है। अगर पानी है तो पानी से ऑक्सीजन उत्पन्न किया जा सकता है, यानी वहां पर जीवन संभव हो सकता है, इसलिए वैज्ञानिक पूरी तरह से तत्पर हैं। जी हाँ दोस्तों, चांद पर गांव बसाने के लिए, मंगल ग्रह पर गांव बसाने के लिए पूरी तरह से तैयारी बना ली है। नासा तो 2024 में ही नींव रख देगा चांद पर मानव कॉलोनी का, उसने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक यहीं तक नहीं रुके हैं, चांद और मंगल ग्रह तक ही उनकी तलाश नहीं है, अन्य ग्रहों पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं, यहाँ तक कि सूर्य तक भी वो जीवन की तलाश करने के लिए अपने मिशन भेज चुके हैं। और हमको पता है कि इस यूनिवर्स में अनगिनत ग्रह हैं, और उनमें से बहुत से ग्रह हैं जो पृथ्वी जैसे भी हो सकते हैं, और पृथ्वी जैसे हैं तो वहाँ पर जीवन हो सकता है। और इसी बीच वैज्ञानिकों के हाथ बड़ी कामयाबी ये लगी है कि एक और ग्रह उन्हें मिला है। आपको बता दें, हमारे पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष दूर, जी हाँ दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक स्टार है, और इस स्टार के दो ग्रह हैं, और उनमें से एक ग्रह पृथ्वी से बड़ा है, और पृथ्वी जैसा ही वातावरण वहाँ पे हो सकता है। अगर पृथ्वी जैसा वातावरण है, वहाँ पर तापमान है, तो वहाँ पर पानी भी हो सकता है, वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिले हैं। और सबसे बड़ी हैरानी ये होगी कि उन्हीं ग्रह से सिग्नल्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है बीच में, लगातार सिग्नल्स ये भेजे जा रहे हैं। और ये सिग्नल्स एलियंस के सिग्नल्स इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये सिग्नल उस ग्रह पर किसी विस्फोट या एस्ट्रॉइड के गिरने या किसी और हलचल से उत्पन्न ये सिग्नल्स नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वैज्ञानिकों को पूरी तरह से ये लग रहा है कि एलियंस के ही सिग्नल्स हो सकते हैं। और जब सिग्नल्स ये प्राप्त हुए वैज्ञानिकों को, तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे, वैज्ञानिकों को यकीन ही नहीं हो रहा था, वैज्ञानिकों ने फिर से कमांड दिया था अपने टेलीस्कोप को ये पता करने के लिए, ये सबूत ढूंढने के लिए कि ये सिग्नल्स जो आ रहे हैं ये कैसे सिग्नल्स हैं और ये सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कमांड्स मिला टेलीस्कोप को, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजा गया, और वहाँ से जो सिग्नल्स आ रहा था, दोनों का मिलान हुआ, दोनों सिग्नल्स मैच हुए। उसके बाद जो डाटा रिसीव हुआ, वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों को लग गया कि ये अलग तरह का सिग्नल्स है, और ये एलियंस के ही सिग्नल्स हो सकते हैं। और आपको बता दें, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक ये स्टार है, ये सूर्य से काफ़ी करीब है। इस स्टार के दो ग्रह मौजूद हैं, और इन्हीं से बार बार सिग्नल्स आ रहे हैं। इन सिग्नल्स को डिकोड किया जा रहा है, और आपको हैरानी तब होगी कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स थे। और आपको बता दें, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी,
982 मेगाहर्ट्ज़ इनकी फ्रिक्वेंसी थी। पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स रिसीव किए गए हैं और वैज्ञानिकों को पूरी तरह से चौकन्ने कर दिए हैं। और आपको बता दें, वैज्ञानिकों को डर सता रहा है, वैज्ञानिकों को ऐसा ही लग रहा है कि एलियंस अपना काम शुरू कर दिए हैं, हमें आगाह कर रहे हैं, बार बार सिग्नल्स भेज रहे हैं और हमें सावधान हो जाना चाहिए। वो पूरी तरह से बेताब हैं, धरती पर आने के लिए कभी भी आ सकते हैं। और आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी कि हमारे पृथ्वी से 51 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह मिला है जहां पर भी एलियंस हैं, वहां से भी सिग्नल्स भेजे गए हैं। और इजराइल के वैज्ञानिक ने भी पूरी तरह से दावा किया है, न्यूज में भी आपने देखा होगा, इजराइल के वैज्ञानिक ने दावा किया था कि एलियंस मंगल ग्रह पर रह रहे हैं, अंडरग्राउंड हैं, पूरा शहर वहां पर बसा हुआ है और एक संगठन चला रहे हैं। हमारे यहां के जो वैज्ञानिक हैं, जो अंतरिक्ष में रह रहे हैं, स्पेस स्टेशन में जो रह रहे हैं, उनसे और एलियंस का समझौता हुआ है, तालमेल बना हुआ है और अपना रिसर्च आगे कर रहे हैं, ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, उन एलियन से मदद ली जा रही है, ऐसा दावा किया था इजराइल के वैज्ञानिक ने। तब से पूरी तरह से हर जगह ये खबर फैल गई है, हर कोई पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है, हर कोई जानना चाहता है एलियंस के बारे में। लेकिन आपको बता दें, जो डेटा यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है, इस पर और खोज हो रही है, बड़े बड़े विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, सबके सामने ये डेटा पेश किया जा रहा है और इससे और रिसर्च चल रही है, रात दिन चौगुनी हो गई है रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हो गए हैं, जब संकेत मिल गया है तो उस पर और खोज होनी चाहिए, इसलिए वैज्ञानिक रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से 100% श्योर नहीं है एलियंस को लेकर, लेकिन आगे ऐसा भी हो सकता है कि ये 100% हो भी सकता है, क्योंकि डेटा उनके पास लगातार रिसीव हो रहे हैं, इस पर रिसर्च चल रही है, सभी देश के वैज्ञानिकों को डेटा भेजा जा रहा है, सभी से इसका निष्कर्ष पूछा जा रहा है। आगे क्या निचोड़ आता है आपको जल्द हमारे माध्यम से मिल जाएगी, आपको पूरी जानकारी जल्द ही मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।